मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस अब परिणामों की समीक्षा कर रही है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी निर्वाचित और हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। भोपाल में ये बैठक प्रारंभ हो चुकी है। जबलपुर जिले से जीते कांग्रेस के एकमात्र नेता लखन घनघोरिया ने कहा कि प्रशासन ने चुनाव लड़ा है, कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, हम विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद आगामी निर्णय करेंगे। पूर्व मंत्री और सिहावल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने कहा कि इस चुनाव में षड्यंत्र हुआ है, कर्मचारियों को उनका मत डालने नहीं दिया गया। मतदान से पूर्व किसान सम्मान निधि की राशि केंद्र सरकार ने खातों में डाली, लाडली बहना की राशि मतदान से पहले भेजी गई। कई ऐसे मतदान केंद्र रहे जहां कांग्रेस को नाम मात्र के वोट ही मिले, जबकि वे परंपरागत रूप से गढ़ रहे हैं। बैठक में विधानसभा में दल के नेता के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। विंध से अजय सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, संभल से रामनिवास रावत और निवाड़ से बाला बच्चन को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।